नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार वाल्मीकि जी की, जो अपने वाल्मीकि समाज के बहुत लाडले हैं, सभी के प्रिय नेता हैं। संदीप जी, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। 2019 के चुनाव नज़दीक हैं और सारे देश की जनता इसी पे नज़र बना के बैठी है कि चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से होंगे। ज़रा इसके बारे में खुलासा करते हैं, अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो क्या होता है और ईवीएम से होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, आज जो पूरे देश में, आप छोटे से बच्चे से पूछ लो, अगर कोई ये कहे ना चौकीदार, तो अगला शब्द ये होगा चोर है, और चौकीदार देश का कौन आपको पता है। वैसे ही आज प्रचलित हो गई ये बात, अगर ईवीएम है तो भाजपा है, अगर ईवीएम नहीं है तो भाजपा की जमानत जब्ते हैं। तो ईवीएम का इस्तेमाल जितना अच्छे ढंग से ये लोग, भाजपा के जो इंजीनियर लोग कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा ये एक फिल्म है। जैसे फिल्म चलती थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और उस तरीके से इन लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, इलेक्शन कमीशन जो बायस नहीं होता वो इनका है। इलेक्शन कमीशन को 17-18 पार्टियाँ कंप्लेंट कर चुकी हैं, पता नहीं कौन सा इनका जमाई है मोदी या क्या चाहते हैं ये लोग, ये बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने भी विकसित कंट्री हैं, सबके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? अगर किसी चीज़ से फ्रेज किया जा रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है। तो अगर ईवीएम हटा दो तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैं भी लड़ू ना मोदी का चुनाव तो मैं भी हरा दूंगा मोदी को, गारंटी देता हूँ मैं। इनको डर लग रहा है ईवीएम हट गई तो ये लोग जेल में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं देश में, सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी, इससे बड़ा स्कैम लोग चारा खाते थे, कोयला खाते थे, ये चौकीदार ऐसा आया जो करेंसी खा गया है ना। और मैं तो गारंटी देता हूँ, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाओ, पहला प्रधानमंत्री होगा देश का जो जेल जाएगा, पहला प्रदेश, दुनिया का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा किसी पार्टी का जो बीजेपी का, अमित शाह जेल जाएगा। ये करेंसी खा गए, देश के सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं। तो ईवीएम जो है वो एक एजेंट है भाजपा की, है ना, और इनका एजेंट है तो इनके लिए काम करेगा। पूरे प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ दिक्कत आती है। क्या दिख नहीं रहा इस देश की जुडिशरी को? क्या दिख नहीं रहा इस देश के लोगों को? कितना भी हम लोग मशीन का काम कर ले, क्या रोबोट इंसान रोबोट से लड़ सकता है? तो मशीनों से कैसे लड़ेंगे हम लोग? हम लोग प्रचार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इन्हें चुपके से एक बटन दबाना है, इनका काम हो जाएगा। तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा पकड़ना पड़ेगा पूरे बहुजन समाज को, और मैं तो कहूँगा इस राहुल गांधी को, इनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। इनके तो ये तो ऐसी जगह पैदा होते हैं कि वहाँ से तो प्रधानमंत्री का टिकट मिलता है ना। जो वहाँ से पैदा होता है वो प्रधानमंत्री पैदा होता है, उससे नीचे होता ही नहीं है। तो तुम्हें भी अगर कुर्सी बनानी है तो बचानी है तो सड़क पर आना पड़ेगा, और तुम्हारे पास सिर्फ विकल्प जो है वो बहुजन समाज है। बहन जी के हाथ मजबूत करो, बहन जी को सड़क पर लेके आओ ईवीएम के खिलाफ, और तुम लोग सरेंडर कर दो, बच जाओगे, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही है। सबसे पहले राहुल गांधी को जेल में डालेगा मोदी है, और नहीं डालेगा तो ये दोनों मिल बांट के खेलेंगे। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी सेटिंग हो गई है, मोदी की, राहुल गांधी की सेटिंग हो गई मुझे लगता है, तभी ये बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो 10 साल ये आ गए, 10 साल ये चले जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर ये चले जाएंगे, चाचा ताऊ के बच्चे अपने खेल रहे, टीम बनाएंगे, टूर्नामेंट, बोल घर में ही जानी है। तो ये सारे लोग एक ही लोग हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब ये इतने बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं दिल्ली बंद करते? क्यों नहीं चुनाव में बहिष्कार कर दो सारी पार्टियां? कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, भाजपा भाजपा लड़े जाए, सारे देश में एक्सपोज हो जाएंगे ये लोग। लेकिन ये लोग डरते हैं, इनको पता है ये भी मनुवादी हैं, ये भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं भाई। और हम लोग जो है ना बहुत कम राजनीति करते हैं। मैं तो कहूँगा वाल्मीकि समाज अगर दिल्ली में राजनीति करना शुरू कर दे तो केजरीवाल जो नकली झाड़ू वाला है उसको 2 मिनट में सचिवालय से बाहर भगा देंगे हम लोग। और इनका, इनको तनख्वाह के लिए ना रोड पे नहीं आना पड़ेगा, 1 महीने में पक्के कर दूंगा सारे वाल्मीकि समाज को, 1 महीने में ठेकेदारी खत्म कर दूंगा पूरी दिल्ली की, 1 महीने में समान काम समान वेतन शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन मशीनें कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के लिए भी सेट करते हैं, नहीं तो 67 विधायक ऐसे नहीं आते। और जो 3 जीते, 3 भाजपा के खास आदमी है ना, वो कैसे जीत गए और कहीं क्यों नहीं जीते? तो ये सब षड्यंत्र है, ये खेल रहे हैं ये लोग, ये मजाक चल रहा है इस देश के लोकतंत्र के साथ ना। और मजाक क्या, 85% बहुजन समाज है ना जो उसका भविष्य खतरे में है। अगर दोबारा भाजपा या कांग्रेस आती है ना तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं। ये आर्यंस लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, इनके इनका फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर जाए, किसानों को मरवा रहे हैं ये, है नॉर्मल इंसानों को मरवा रहे हैं, जो एक्टिविस्ट लोग उनको जेलों में डाल रहे हैं। इनका टारगेट सिर्फ जो है ना सत्ता पे काबिज करके इस देश को लूटना है और लूट के भागना है,
गोरे अंग्रेज गए थे, ये काले अंग्रेज हैं, इस देश में आज़ादी नहीं थी, सत्ता परिवर्तन हुई थी, सत्ता हस्तांतरण हुई थी, सत्ता इनके आर्यंस के हाथ में चली गई थी अंग्रेजों से, तो अगर बहुजन समाज की सत्ता लानी है तो ईवीएम हटाना पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव हो ये तय करना पड़ेगा, सारे समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा। आप थे संदीप वाल्मीकि जी जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर जनता को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का चुनाव चाहिए तो उसको सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, तभी इस देश की सत्ता बदल सकती है।